दोस्तों जैसा कि Realme 9 Pro 5G सीरीज ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और अब टाइम आता है इसकी सक्सेसर Realme 10 Pro 5G सीरीज का, जो कि दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च की जाएगी और ये 9 Pro 5G सीरीज की बिग अपग्रेडेड स्मार्टफोन सीरीज रहने वाली है। और इसमें अभी प्रीवियसली स्मार्टफोन सीरीज की तरह मेन दो स्मार्टफोन होंगे, Realme 10 Pro 5G एंड Realme 10 Pro Plus 5G। जो हाइएस्ट एंड टॉप वेरियंट होगा वो 10 प्रो प्लस 5G होगा, जो कि 9 प्रो प्लस 5G का बिग अपग्रेडेड स्मार्टफोन रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर Realme 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस फोन के ऑलमोस्ट फीचर्स लीक हो चुके हैं, साथ ही साथ प्राइस के बारे में भी आइडिया देने वाला हूं, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा इस फोन की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के रियर साइड में ग्लास ऑफर किया जाएगा सेम 9 प्रो प्लस 5G की तरह, विद कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला है। इसके अलावा ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल होगा और रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसका फ्रेम मेटल का रहने वाला है और ये इनसाइड पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आएगा। दोस्तों इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा विद इनसाइड पंचोल और ये 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट होगा, जिसमें इनक्लोज्ड हार्ट रेट सेंसर भी दिया जाएगा सेम 9 प्रो प्लस 5G की तरह, जिससे आप अपने हार्ट को सेंस कर पाओगे। और साथ ही साथ डिस्प्ले पर कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं, जो कि इस फोन का मोस्ट हाईलाइट फीचर होने वाला है, इस फोन में रियर साइड में ट्रिपल कैमरास होंगे। प्राइमरी लेंस होने वाला है 200 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल सकता है, जो कि सोनी के लेंस के साथ आने वाला है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा एंड 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी होगी इन फ्रंट। दोस्तों अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहां पर आपको MediaTek Dimensity 8100 8100 का चिपसेट मिल जाएगा MediaTek की तरफ से, जो कि अभी अभी अनवील किया गया था। न्यू चिपसेट है, फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। 5 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशेंट भी है। दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 होगा, जो कि Realme UI 3.0 के साथ आने वाला है। इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी दिया जाएगा। दोस्तों अगर बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि दोस्तों 120 वॉट के अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। और ये बॉक्स के साथ भी आएगा चार्जर, और ये पहला स्मार्टफोन होगा नंबर सीरीज का जिसमें 120 वॉट का अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट होगा चार्जिंग के लिए। इसके अलावा 3.5 mm का जैक होगा, फेस अनलॉक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों फाइनली प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करूं, तो इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वह दोस्तों अराउंड 25,000, लगभग 25,000 रुपये के प्राइस बजट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। लॉन्च की बात करूं, तो ये इसी साल 2022 के एंड तक लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।